नमस्कार, मैं गिरजेश कुमार और आप देख रहे हैं TN न्यूज नेटवर्क। विगत कुछ दिनों पहले नीतू हत्याकांड का विरोध हुआ और उस विरोध के कारण जो मतलब प्रशासन की रवैया देखने को मिला, जैसे कि हमारे अभी कुछ युवा साथी हैं जिनके खिलाफ प्रशासन ने गलत मुकदमा दायर किया है और अभी हम महुआ में स्थिति हैं और इन्हीं से जानते हैं कि आखिर मामला क्या है। तो सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम शब्दवीर साध हुआ जी। क्या मामला क्या है आपका? हम लोग को मालूम चला कि एक छात्रा का हत्या हो गया है। हम लोग ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के लोग हमेशा हर न्याय के खिलाफ खड़े रहते। हम लोग ने जाकर वहाँ पर स्थिति देखा तो रोड जाम लगा हुआ था और प्रशासन के लोग जो है सो लोगों पर ज्यादती कर रहे थे, लाठी डंडे के प्रहार करने के चक्कर में थे कि आखिर रोड जाम क्यों किया। हम लोग बोले प्रशासन को कि भैया आप जो है सो लोगों की गिरफ्तारी नहीं करते, आपका अखबार इलाके में ख़त्म हो गया है, इस कारण अपराधी जो है बेलगाम हो गया है, ऐसी कई हत्याएँ हो चुकी हैं, आप लोग क्यों नहीं अपराधी को गिरफ्तार करते हैं, क्यों लीपापोती में लगे रहते हैं। तो वही DSP से हम लोग की बातचीत हुई और हम लोगों ने उनसे कहा कि जल्द से जल्द ये नीतू छात्रा के अपराधी को गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन आपको चैन से बैठने नहीं देगा, ईंट से ईंट बजा देने का काम करेगा। इसी का परिणाम स्वरूप हम लोग पर फर्जी मुकदमा कर दिया गया कि इन लोगों ने उपद्रव करने का काम किया। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन आज़ादी के गर्व से निकला छात्र संगठन है, यह कोई उपद्रवी संगठन नहीं है, लेकिन हम लोग ऐसे मुकदमा से डरने वाले लोग नहीं हैं। हमारे साथ लोग हैं, हमारे साथ ही इस मुकदमा के खिलाफ लड़ रहे हैं। आने वाला 25 तारीख को हम लोग का इस SDPO के खिलाफ भी बड़ा प्रदर्शन है कि फर्जी मुकदमा वापस किया जाए। जी सर, आपका क्या कहना है? मेरा नाम प्रकाश कुमार हुआ, छात्र संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के जिला अध्यक्ष। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन भारत की पहली छात्र संगठन है और वैशाली जिला में समझिए तो एकमात्र छात्र संगठन सक्रिय है। तो तमाम सवालों को लेकर हम लोग लड़ते हैं, खासकर महुआ के अंदर तमाम वर्गों की लड़ाई, चाहे किसान मजदूर हो, छात्र नौजवान हो, व्यावसायिक वर्ग हो, किसी भी समस्याओं के लेकर ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के लोग निश्चित ही उसमें रहते हैं। उस दिन भी घटना हुई और वह घटना जो है उस दिन का घटना कोई महुआ के लिए पहली घटना नहीं थी। महुआ के अंदर लगातार हत्याओं का खेल चल रहा था तो हम लोग ने उस दिन निश्चित तौर पर आक्रोश होकर DSP मैम को हम लोगों ने समझाने का काम किया तो उन्होंने टारगेट कर हम लोग पर FIR कर दिया कि इन्हें सरकारी काम में बाधा किया और हम लोग को परेशान किया जा रहा है। लेकिन हम लोग इस तरह से मुकदमे से बिल्कुल नहीं डरने वाले हैं, जान जाइए। और यहाँ के लोग जितने हैं सभी लोग हम लोग को जानते हैं, इसीलिए यहाँ के जो है तमाम जन